जरा सोचो, पूरे शहर की पुलिस एक आदमी के पीछे पड़ जाए, लेकिन वो नहीं जानते कि ये कोई आम आदमी नहीं है। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है, और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जॉन रैम्बो नाम के एक आदमी से, जो वियतनाम युद्ध में अमेरिका की तरफ से काफी बहादुरी से लड़ा था। अब जंग खत्म हो चुकी थी और फिर एक दिन वो अपने पुराने साथी डेलमार बेरी को ढूंढते हुए लेक के पास बने एक घर तक आ पहुंचा। लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि डेलमार तो एक साल पहले ही कैंसर की वजह से चल बसा। युद्ध के दौरान वो काफी जहरीली गैसेस के संपर्क में आ गया था और बाद में थोड़े समय तक ही जिंदा रह पाया। ये सुनकर रैम्बो को बेहद बुरा लगा और उसने डेलमार की पत्नी को याद के तौर पर डेलमार की एक तस्वीर दी। इसके बाद वो खाने और रहने की जगह की तलाश में पैदल ही निकल पड़ा और चलते चलते होप नाम के एक शहर तक आ गया। लेकिन तभी विल नाम के एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ी और रैम्बो के लंबे और अजीब कपड़े देखकर उसे रैम्बो पर शक हो गया। फिर विल उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर शहर के बाहर छोड़ाया, क्योंकि ऐसे संदिग्ध लोगों को शहर से दूर रखना ही उसका काम था। खैर, रैम्बो ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और एक बार फिर से शहर की ओर चलने लगा। ये देखकर विल गुस्से से तिलमिला उठा और उसने तुरंत रैम्बो को गिरफ्तार कर लिया। तब उसे रैम्बो के पास एक चाकू भी मिला और विल उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले आया। फिर जब पुलिस वालों ने रैम्बो से कुछ फॉर्म्स भरने को कहा तो रैम्बो ने उनकी बात भी नहीं सुनी और आखिरकार चीफ डेप्यूटी आर्ट गैल्ट को उस पर बहुत गुस्सा आया। इसलिए उसने रैम्बो को टॉर्चर करने का हुक्म दिया, जिससे वियतनाम युद्ध का खौफनाक मंजर एक बार फिर से रैम्बो की आंखों के सामने आ गया। पहले पुलिस वालों ने जबरदस्ती रैम्बो के सारे कपड़े उतारे और फिर चीफ डेप्यूटी बड़ी बेरहमी से उसे पीटने लगा। इसके बाद हवलदार ने रैम्बो पर काफी तेज प्रेशर वाली पाइप से पानी फेंका। आखिरकार वो लोग रैम्बो को बांधकर उसके बाल काटने ही वाले थे, लेकिन अब रैम्बो की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। वो जोर जोर से हाथ पैर मारकर खुद को छुड़ाने लगा और कुछ ही पलों में उसने सभी पुलिस वालों को धूल चटा दी। इसके बाद उसने अपना चाकू उठाया और बाहर खड़ी एक बाइक चुरा कर वहां से भाग निकला। तभी विल भी अपनी गाड़ी में उसके पीछे हो लिया, लेकिन रैम्बो जंगल की ओर भाग गया और विल की गाड़ी पत्थरों पर पलट गई। वहीं रैम्बो भी अपनी बाइक छोड़कर जंगल के अंदर छिप गया। अब विल ने रैम्बो को ढूंढने के लिए पूरी पुलिस फोर्स को लगा दिया। उनके पास कई आधुनिक हथियार, शिकारी कुत्ते और हेलीकॉप्टर्स भी थे। उधर जंगल में रैम्बो को एक पुराना कपड़ा और कुछ तारे मिली, जिससे जुगाड़ करके उसने खुद को ढक लिया। अब वो पुलिस वालों से भागते भागते ऊंची पहाड़ी की चोटी तक आ पहुंचा था और आखिरकार उसने धीरे धीरे नीचे उतरने का फैसला किया। वो जैसे ही थोड़ा नीचे गया तो अचानक आर्ट ने उसे हेलीकॉप्टर से देख लिया और तुरंत उस पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अब रैम्बो के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो मजबूरन पहाड़ी से नीचे कूद गया। खुशकिस्मती से वो सीधा कुछ पेड़ों की टहनियों में जा फंसा और उसकी जान बच गई, पर इसी दौरान उसकी बाजू बुरी तरह जख्मी हो गई। इधर आर्ट लगातार गोलियां चलाए जा रहा था, इसलिए रैम्बो फटाफट एक पेड़ के पीछे छिप गया। इसके बाद उसने एक बड़ा सा पत्थर सीधा हेलीकॉप्टर के शीशे पर दे मारा, जिससे अचानक पायलट अपना संतुलन खो बैठा और आर्ट हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया। वो सीधा पहाड़ी के पत्थरों से जा टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये सब देखकर रैम्बो ने अपने जख्म पर मरहम लगाई और खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया। उसने दूर खड़े पुलिस वालों से कहा कि आर्ट की मौत गलती से हुई है और अब वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन पुलिस वालों ने बिना कुछ सुने उस पर गोलियां बरसा दी। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए वो फिर से जंगल की ओर भाग गया। फिर कुछ देर बाद विल और उसके साथियों को रेडियो के जरिए खबर मिली। उन्हें बताया गया कि जिस आदमी का पीछा वो कर रहे हैं उसका नाम है जॉन रैम्बो और वो वियतनाम युद्ध में लड़ा हुआ एक फौजी है। उसकी बहादुरी के लिए उसे कई नेशनल अवार्ड और मेडल भी मिल चुके हैं। ये सुनकर कई पुलिस वाले काफी डर गए, लेकिन विल अब भी रैम्बो से बदला लेना चाहता था। इसके बाद विल अपनी टीम के साथ जंगल में आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके साथियों को डर था कि कहीं बाजी उल्टी ना पड़ जाए, वरना फिर उन्हें रैम्बो से बचकर भागना पड़ेगा। जल्द ही उनका ये डर असलियत में बदल गया, क्योंकि रैम्बो ने अपनी जंगली ट्रेनिंग से चारों ओर जाल फैला रखे थे। देखते ही देखते विल के सारे साथी रैम्बो के हत्थे चढ़ गए और आखिर में अब विल की बारी थी। जैसे ही विल ने एक कदम बढ़ाया तभी अचानक अंधेरे से निकलकर रैम्बो ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। उसने विल से कहा भी कि मेरा पीछा छोड़ दो, वरना फिर जो होगा वो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये कहकर रैम्बो कुछ ही पलों में जंगल में गायब हो गया। वो अपने साथ एक पुलिस वाले का वॉकी टॉकी भी चुरा ले गया था।
इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल के आसपास पुलिस ने अपना अड्डा बना लिया था। जल्द ही रैम्बो को पकड़ने में विल की मदद करने के लिए स्टेट और नेशनल टीम भी वहां आ गई। फिर एक ऑफिसर ने वॉकी टॉकी के जरिए रैम्बो से बात की और उसे चेतावनी देकर कहा कि पुलिस ने चारों ओर से उसे घेर लिया है। इसके कुछ समय बाद यूएस स्पेशल फोर्सेस का कर्नल सैम ट्रॉटमैन वहां पहुंचा और उसने बताया कि वो युद्ध के दिनों में रैम्बो का ट्रेनिंग ऑफिसर था। उसने विल को बताया कि रैम्बो को मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी जिंदा रहने की ट्रेनिंग मिली है और तो और तुम सब साथ मिलकर भी उससे लड़ोगे तो भी नहीं जीत सकते। उसने सैम को सलाह दी कि जंगल तुम्हारा नहीं उसका एरिया है, अच्छा यही होगा कि उसे भाग जाने दो, फिर शहर में अपने हिसाब से गिरफ्तार कर लेना। लेकिन विल को इस बात का घमंड था कि मेरे पास इतनी बड़ी टीम है, पकड़ लूंगा उसे। इसके बाद उसने सैम से कहा कि वो वॉकी टॉकी के जरिए रैम्बो से बात करके उसे खुद को पुलिस के हवाले करने को कहे। लेकिन जब सैम ने उससे बात की तो रैम्बो ने तो उसकी एक न सुनी। उसने कहा कि इन पुलिस वालों को किसी भी आम इंसान को पकड़कर टॉर्चर करने का कोई हक नहीं है, वो तो सिर्फ शहर में आराम से घूम रहा था, लड़ाई की शुरुआत इन पुलिस वालों ने की। ये कहकर रैम्बो ने अपना रेडियो बंद कर दिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अब तक विल की टीम ने जंगल के बीच उसकी लोकेशन का पता लगा लिया था। खैर, जंगल में रैम्बो ने एक जंगली सुअर का शिकार किया और एक सुनसान गुफा में जाकर छिप गया। वहां उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई और अपना खाना खाया। रात काफी ज्यादा हो गई थी इसलिए उसने गुफा में ही आराम करने का फैसला किया। फिर अगली सुबह नेशनल फोर्स की एक टीम उसकी गुफा की ओर निकल पड़ी और जल्द ही उन्होंने रैम्बो को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद उन्होंने इस गुफा पर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी और फिर उन्होंने एक बॉम्ब से गुफा में जबरदस्त धमाका किया। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने रैम्बो को मार डाला, इसलिए वो सब जश्न मनाने लगे। लेकिन वो कहां जानते थे कि रैम्बो गुफा में और अंदर घुसकर बच गया था। वहां उसने अपने कपड़ों से आग जलाई और हवा का रुख पता किया। इसके बाद वो गुफा में और अंदर बढ़ गया जहां उसका सामना हुआ चूहों से भरे कीचड़ से। खैर, थोड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उसे बाहर का रास्ता दिखाई दिया और वो छिपते छिपाते वहां से बाहर आ गया। इसके बाद उसने पहाड़ी से गुजर रहे यूएस फौज के ट्रक पर कब्जा कर लिया जिसमें मशीन गन के अलावा और भी कई हथियार थे। रैम्बो ने ड्राइवर को बाहर फेंका और खुद ट्रक लेकर शहर तक आ पहुंचा। खैर, जल्द ही ट्रक ड्राइवर ने रैम्बो के जिंदा होने की खबर पुलिस स्टेशन को दी और ये सुनकर विल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में आकर तुरंत अपनी टीम को रैम्बो को देखते ही मार देने का हुक्म दिया। जल्द ही पुलिस वाले रैम्बो की गाड़ी का पीछा करने लगे। पहले तो रैम्बो ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पुलिस वालों ने उस पर गोलीबारी की तो उसे गुस्सा आ गया और उसने एक झटके में उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर धमाका कर दिया। खैर, जल्द ही वो एक ब्रिज के अंत पर पहुंचा जहां कई पुलिस की गाड़ियां उसका पहले से इंतजार कर रही थी। लेकिन रैम्बो यहां भी नहीं रुका और धुआंधार तेजी से आगे बढ़ता हुआ उनकी गाड़ियों के ऊपर से निकल गया। इसके बाद उसने सबका ध्यान भटकाने के लिए एक पेट्रोल पंप में विस्फोट किया और अपनी मशीन गन से आम लोगों पर हमला करने लगा। ये देखकर विल ने तुरंत आम लोगों को घरों में छिपने का आदेश दिया और खुद ही रैम्बो को पकड़ने की तैयारी करने लगा। पर तभी सैम वहां आया और उसने विल से कहा कि रैम्बो को जाने दो। लेकिन विल के सर पर तो उसे पकड़ने का भूत सवार था, इसीलिए वो हथियार लेकर बिल्डिंग की छत पर जा पहुंचा। उधर रैम्बो ने बड़ी चालाकी से कई ट्रांसफॉर्मर्स में आग लगाकर आधा शहर अंधेरे में डुबा दिया था। इसके बाद वो हथियारों की दुकान पर गया और वहां का असला बारूद इकट्ठा करके भयानक विस्फोट कर दिया। जल्द ही उसने विल को बिल्डिंग की छत पर देखा और वो भी चुपके से पुलिस स्टेशन में घुस आया। उसने नीचे से गोलीबारी शुरू की जिसके जवाब में विल भी गोलियां चलाने लगा, लेकिन जल्द ही वो जख्मी हो गया और लुढ़क कर नीचे आ गिरा। अब रैम्बो धीरे धीरे उसके करीब आया। वो विल को जान से मारने ही वाला था कि एन वक्त पर सैम ने वहां आकर उसे रोक दिया। उसने रैम्बो को समझाया कि विल को मारकर तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगे क्योंकि तुम्हें चारों ओर से पुलिस ने घेर रखा है। उसने रैम्बो को याद दिलाया कि तुम अपनी यूनिट के आखिरी सिपाही हो और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी मौत मरो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। ये सब सुनकर रैम्बो के अंदर भरा सारा गुस्सा बाहर आ गया। उसे याद आया कि कैसे उसने युद्ध के वो खौफनाक दिन देखे थे, कैसे उसने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने जान गंवाते देखा था। आज भी उसे उन दिनों का खौफ डराता है, इसलिए कोई भी उसे एक आम नौकरी देने को तैयार नहीं है। उसने अपनी पूरी जिंदगी देश और देशवासियों की सेवा में लगा दी, लेकिन फिर यही लोग उसके साथ बदसलूकी करते हैं। आखिर अपने देश के लिए इतना कुछ करने का उसे क्या सिला मिला। ये सब कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगा।
आखिरकार सैम के सामने अपना दुख दर्द बयां करके उसका मन हल्का हो गया और फिर उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जल्द ही जख्मी विल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और अंत में पुलिस वाले रैम्बो को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।